टीचिंग मेथड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए टीचिंग एक प्रोसेस भी है, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन भी है, लेकिन व्हेन डिस्कस अबाउट टीचिंग एज अ प्रोसेस ऑफ मैन मेकिंग, लेकिन उस मैन मेकिंग प्रोसेस में एजुकेशन एक टूल के रूप में काम करता है, और एजुकेशन का सबसे पावरफुल वेपन टीचिंग है, क्योंकि एजुकेशन जो कुछ भी अचीव करती है उसमें से मोस्टली चीजें टीचिंग के थ्रू आती हैं, एंड देन वो टीचिंग चाहे फॉर्मल टीचिंग हो या नॉन फॉर्मल टीचिंग हो या इनफॉर्मल टीचिंग हो। लेकिन टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द फॉर्मल टीचिंग, और उस फॉर्मल टीचिंग के जो वेपन्स हैं, जो टूल्स हैं, जो हेल्पिंग डिवाइसेस हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जब एक इफेक्टिव टीचर की बात आती है, एक इफेक्टिव टीचिंग की बात आती है, तो एक इफेक्टिव टीचिंग एक इफेक्टिव टीचर को बनाने में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है उसका टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्टाइल, टीचिंग अप्रोच, कई सारे उसके सिनोनिम्स हैं। अगर हम जनरल वे में बात करें तो कई सारे उसके लिए हम शब्द अपने डे टू लाइफ में यूज करते हैं। कोई उसको टीचिंग स्टाइल कहता है, कोई उसको टीचिंग अप्रोच कहता है, कोई उसको टीचिंग स्ट्रेटजी कहता है, कोई उसको टीचिंग मेथड कहता है, कोई टीचिंग टैक्टिक्स कहता है, कोई टीचिंग टेक्निक्स कहता है। अलॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट आर पॉपुलर अराउंड द टीचिंग प्रोसेस। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट द दीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट विच ईच अदर। मीन्स कि बहुत बार हमको ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, विशेष रूप से जब हम टीचिंग मेथड्स वर्ड की बात करते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, टीचिंग अप्रोच के बारे में बात करते हैं, टीचिंग टैक्टिक्स के बारे में बात करते हैं, टीचिंग टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, तो एक्सटर्नली हमें लगता है कि दीज कॉन्सेप्ट आर द सिमिलर आर सिनोनिम्स फॉर इच अदर, बट इज नॉट ट्रू। दीज कॉन्सेप्ट आर माइंड डिफरेंट बट इंटरकोरिलेटेड। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितने भी हम शब्द हैं, इन शब्दों को हम भले ही एक परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे का पर्याय मानते हो, लेकिन तार्किकता की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर, ये सारे संप्रत्यय, ये सारे शब्द एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, अलग है, लेकिन अंतोगत्ता इन सबके बीच एक अंतर्निहित आंतरिक संबंध भी है। तो आज की क्लास में हम लोग इन सारे शब्दों का जो है पर्याय क्या है, और इन सारे शब्दों का निहितार्थ क्या है, इनका मीनिंग क्या है, ये हम समझेंगे, और फिर इनके बीच की एक जो इंटरनल रिलेशनशिप है इसको भी समझेंगे, और फिर वो जो टीचिंग मेथड, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड है, उस टीचिंग मेथड्स की जो वेरियस ब्रांचेज हैं या जो वेरियस टाइप्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन फिर हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए चार कॉन्सेप्ट हैं, हम अपनी चर्चा जो है वो चार पांच कॉन्सेप्ट के जो है राउंड लेकर चलेंगे, और वो चार कॉन्सेप्ट क्या हैं। पहला कॉन्सेप्ट है टीचिंग मेथड, जिसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। दूसरा है टीचिंग स्ट्रेटजी या टीचिंग अप्रोच भी कह सकते हैं, जिसको हम शिक्षण आव्यूह कह सकते हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है टीचिंग टैक्टिक्स, जिसे हम शिक्षण युक्तियां कहते हैं। एंड लास्ट वन इज टीचिंग टेक्निक्स, जिसे हम शिक्षण तकनीकी भी कहते हैं। तो इसमें से सबसे पहले जो वर्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टीचिंग मेथड, क्योंकि सबसे पॉपुलराइज जो कॉन्सेप्ट है वो है टीचिंग मेथड।
व्हाट इज द टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि क्या है। देखिए जब हम मेथड शब्द की बात करते हैं तो टीचिंग एक इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है और टीचिंग के साथ जो प्रोसेस जुड़ी हुई है वो लर्निंग प्रोसेस है, और इसीलिए हम टीचिंग ना कह करके उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। तो उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत टीचिंग मेथड क्या होता है। देखिए मेथड शब्द लैटिन से निकला है और जिसका मतलब है वे, मतलब रास्ता, यानी शिक्षण विधि क्या है, एक रास्ता है, इज अ वे आर स्टाइल। विच टाइप ऑफ वे आर स्टाइल? टीचिंग मेथड इज अ वे आर स्टाइल टू प्रेजेंट अ कंटेंट इन द क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। दिस इज द वर्ड मीनिंग ऑफ द टीचिंग मेथड। मतलब शिक्षण विधि वह रास्ता या वह एक तरीका है, वह एक शैली है जिसके माध्यम से या जिसकी हेल्प से हम किसी भी कंटेंट को या किसी भी पार्ट को, किसी भी लेसन को क्लासरूम के अंदर फॉर्मली स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स टीचिंग मेथड इज रिलेटेड टू कंटेंट डिलीवरी डिवाइस। क्योंकि टीचिंग में तीन फेज होते हैं, एक जो जैक्सन महोदय ने फेजेस बताए हैं, टीचिंग इज अ प्री एक्टिव फेज, टीचिंग इज अ इंटर एक्टिव फेज एंड टीचिंग इज अ पोस्ट एक्टिव फेज। तो वो जो इंटर एक्टिव फेज है टीचिंग का, जिसमें हम लोग क्लास के अंदर टीचर स्टूडेंट के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है, वो हमारा इंटरेक्शन फेज होता है। और उस इंटरेक्शन फेज की जो मेजर एक्टिविटी है वो है कंटेंट डिलीवरी या लेसन प्रेजेंटेशन या टॉपिक प्रेजेंटेशन। तो उस इवेंट के लिए जिस डिवाइस का, जिस मेथड, जिस टूल का हम यूज करते हैं वो है टीचिंग मेथड। और टीचिंग मेथड्स का मीनिंग बड़ा ही कंसाइज है, क्योंकि टीचिंग मेथड इज लिमिटेड, टीचिंग मेथड इज नैरोड ओनली रिलेटेड टू द कंटेंट डिलीवरी इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। अब टीचिंग मेथड्स के अपने फंक्शंस होते हैं, टीचिंग मेथड्स का अपना एक सिलेक्शन प्रिंसिपल होता है, टीचिंग मेथड्स की अपनी एक फैमिली होती है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि वापस आएंगे हम टीचिंग मेथड शब्द पर। लेकिन अब उस टीचिंग मेथड के नियरेस्ट जो तमाम और कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम उनसे फेमिलियर हो लेते हैं। तो टीचिंग मेथड्स क्या है? टीचिंग मेथड इज अ वे आर स्टाइल, एक वो तरीका है, वो एक शैली है जिसके थ्रू टीचर क्लासरूम के अंदर अपने लेसन को या अपने टॉपिक को स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करता है, शेयर करता है। अच्छे टीचिंग मेथड्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, टीचिंग मेथड्स की सक्सेस को कैसे मेजर किया जाता है, इन सारे एस्पेक्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम होते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड से काफी क्वेश्चंस जो है वो 5 क्वेश्चंस में से डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो टीचिंग मेथड से रिलेटेड होते हैं। हम टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स पर भी बात करेंगे, लेकिन वापस आकर अब देखिए टीचिंग मेथड्स क्या करता है, टॉपिक को क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट करता है, शेयर करता है टीचर उसके द्वारा अपनी नॉलेज को स्टूडेंट के साथ। लेकिन टीचिंग मेथड्स अपना काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते, टीचिंग मेथड्स के अपना एक ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो लेसन है या जो टॉपिक है या जो कंटेंट है उसको इफेक्टिवली तरीके से, उसको इंटरेस्टिंग तरीके से, उसको एंटरटेनिंग तरीके से स्टूडेंट के सामने शेयर करना, ताकि स्टूडेंट्स का जो एंगेजमेंट है क्लासरूम में, जो उसका मोटिवेशन लेवल है, जो उसका तरीके से जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू क्लासरूम के अंदर या लर्निंग प्रोसेस पर बना रहे। तो एक तरीके से टॉपिक को
क्रिएटिव तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से, यानी एक जो सेंटिमेंट्स लेस टॉपिक है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, कोई भी टॉपिक हो, उसमें जो निरसता है, उस निरसता को समाप्त करने के लिए हम एक ऐसा तरीका अपनाते हैं, एक ऐसा साधन चुनते हैं कि उस निरसता के वातावरण में थोड़ी सी जो है वो सक्रियता आए, थोड़ा सा जो है वो उत्साह आए, थोड़ा सा जो है वो आनंद आए, और थोड़ी सी जो है वो रोचकता आए, थोड़ी सी सरलता आए। तो पाठ के प्रस्तुतिकरण को सरल बनाना, पाठ के प्रस्तुतिकरण को रोचक बनाना, पाठ के प्रस्तुतिकरण को मनोरंजक बनाना, पाठ के प्रस्तुतिकरण को सृजनात्मक बनाना, आसान बनाना, ये सारे पर्पज होते हैं, ये सारे फंक्शन होते हैं, या कह लीजिए ऑब्जेक्टिव होते हैं टीचिंग मेथड्स के। लेकिन टीचिंग मेथड्स ये सब काम अपने आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाता, टीचिंग मेथड्स को भी एक हेल्पिंग डिवाइस की जरूरत होती है, और वो हेल्पिंग डिवाइस होती है टीचिंग मेथड की टीचिंग टेक्निक्स। एक वर्ड आता है टीचिंग टेक्निक्स, अभी हम लोगों ने टीचिंग मेथड्स के बारे में बात की, अब बात करते हैं टीचिंग टेक्निक्स। टीचिंग टेक्निक्स क्या है? टीचिंग टेक्निक्स अ सेट ऑफ साइंटिफिक अजम्पशन विच इज यूज टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग मैथड्स। यानी शिक्षण तकनीकी क्या है? टीचिंग टेक्निक्स वो साइंटिफिक अजम्पशंस होती हैं जो किसी भी टीचिंग मैथड्स की जो प्रभावशीलता है उसको बढ़ाती हैं। यानी एक तरीके से टीचिंग टेक्निक्स इज द हेल्पिंग डिवाइस ऑफ द टीचिंग मैथड्स, अगर हम इसको कहें तो ये कोई इनकरेक्ट नहीं है। टीचिंग मेथड की जो हेल्पिंग डिवाइस है, इट मीन्स टीचिंग टेक्निक्स इज अ हेल्पिंग डिवाइस, हेल्पिंग टूल ऑफ द टीचिंग मेथड्स। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हायर लर्निंग पर, हायर एजुकेशन पर जो हमारी आइडियल फिलॉसफी का सबसे ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड है लेक्चर मेथड, अब उसके बारे में बात करें। लेक्चर एक मेथड है, अभी आगे हम लोग लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। लेक्चर वॉइस आ रही है हमारी? आवाज हमारी प्रॉपर आ रही है? ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि एक लेक्चर मेथड है, बहुत ओल्डेस्ट मेथड है हायर लर्निंग का। अब लेक्चर क्या है? एक ओरल प्रेजेंटेशन है कंटेंट का, टॉपिक का। जब भी स्टूडेंट के सामने ओरल प्रोनाउंसिएशंस के थ्रू, ओरल कम्युनिकेशंस के थ्रू टीचर किसी भी टॉपिक को क्लैरिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है विद द क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स, तो उसको एक जर्नल टर्म में हम लोग लेक्चर कहते हैं। अब लेक्चर कह दिया कि भाई एक मौखिक जो है वो संवाद है जिसमें कोई भी प्रकरण है, कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी टॉपिक है, उसको ओरल प्रोनाउंसिएशंस के थ्रू टीचर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है, और स्टूडेंट्स के जो भी उस टॉपिक पर या क्वेरीज होती हैं, डाउट्स होती हैं, उनका वो रेक्टिफिकेशंस करता है, एक्सप्लेनेशंस करता है, उसका क्लैरिफिकेशंस करता है। बट लेक्चर्स की अपनी एक टेक्निक्स है। अब जैसे हम बात करते हैं इंडक्शन और डिडक्शन, आगमन और निगमन, ये दो चीजें हैं। अब जब लेक्चर है तो हमने कहा कि हर टीचिंग मेथड्स अपने आप को इफेक्टिव बनाने के लिए, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी एक टीचिंग टेक्निक्स की हेल्प लेता है, और समटाइम्स लेक्चर टेक द हेल्प ऑफ इंडक्शन, समटाइम लेक्चर्स टेक द हेल्प ऑफ इंडक्शंस।
अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. वी नो वेरी वेल अबाउट द इंडक्शन एंड डिडक्शन. इंडक्शन ये दोनों ही अरस्तु के डेवलप किए हुए टूल है, और जिसको हम क्रमशः आगमन और निगमन कहते हैं. आगमन एक ऐसा साइंटिफिक प्रिंसिपल है या एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें किसी भी नॉलेज को शेयर करने से पहले या किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले हम उससे रिलेटेड वेरियस एग्जांपल्स को या उसके आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं, उससे संबंधित रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं. और देन जब स्टूडेंट्स के पास अंडरस्टैंडिंग, एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और वो जो वो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाता है, कुछ लाइफ एग्जांपल्स, कुछ डे टू लाइफ से रिलेटेड जब हम इवेंट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक पर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लेते हैं, देन हम टॉपिक पर आते हैं, देन हम फैक्ट्स या रूल्स या प्रिंसिपल या जो हमारा मेन कंटेंट है वो हम डिलीवर करते हैं. एक तरीके से इंडक्शंस क्या करता है, एक तरीके से हमें यूं कहें कि सिंपल टू डिफिकल्ट की ओर हमको लेके जाता है. क्योंकि एग्जांपल्स क्या होते हैं, कॉन्क्रीट होते हैं. एग्जांपल्स के बारे में ऑडियंस को एक अवेयरनेस होती है तो वो उससे अपने आप को इजिली कनेक्ट कर लेता है. तो जब सब कोई टॉपिक पढ़ाना उसके पहले हम एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं और उस एग्जाम्पल के साथ हमने ढेर सारे एग्जाम्पल्स किया, और जब एग्जाम्पल्स के साथ हमारी ऑडियंस फेमिलियर हो गई तो फिर उस एग्जाम्पल्स के बिहाफ पर जो एक उसकी जो उसका एक कहते हैं कि उसका जो निष्कर्ष है, वो जो मेन नॉलेज है, जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन है, प्रिंसिपल है, रूल है, थ्योरी है, वो हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं. तो इसी तरीके से जब लेक्चर होता है तो लेक्चर कभी कभी इंडक्शंस को यूज करता है एज ए टेक्निक्स, और लेक्चर कभी कभी डिडक्शंस को यूज करता है. यानी समटाइम्स हमने इस तरीके का लेक्चर देखा होगा जिसमें जो हमारा स्पीकर है वो ऑडियंस के सामने अपने मेन कंटेंट को एट एंड रिप्रेजेंट करता है. पहले वो क्या करता है, एक भूमिका बनाता है, एक 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 परिवेश उत्पन्न करता है. अब आप बात ये कर रहे होंगे कि ये जो इंडक्शन है या डिडक्शन है, ये तो साइंटिफिक अजम्पशंस है, साइंटिफिक प्रोसीजर्स है. बिल्कुल, टीचिंग टेक्निक्स इज द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग, बट मैथड इज द आर्टिस्टिक एस्पेक्ट. मैथड क्या है, एक आर्ट है. मैथड्स को साइंटिफिक टूल्स नहीं कहा जाता, मैथड इज आर्टिस्टिक. लेकिन जब उस आर्ट पर हमें साइंस को इन्वॉल्व करना होगा ताकि वो आर्ट और इफेक्टिव हो जाए, और इसीलिए हम लेक्चर में इंडक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इंडक्शंस में हमने क्या किया, एक ऐसा स्पीकर है जो अपने लेक्चर में सबसे पहले अपने टॉपिक के बारे में एक लाइव एग्जांपल्स, लाइफ इवेंट्स, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, अपने सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है. देन फिर वो अपना वो टॉपिक का जो थ्योरी है, प्रिंसिपल है, रूल है, या जो फैक्ट्स है, वो स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहा है. लेकिन समटाइम्स लेक्चर में ऐसा भी होता है कि स्पीकर ने सबसे पहले जो उसका मेन कंटेंट है या जो उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो थ्योरी है, प्रिंसिपल है, रूल है, वो यानी जो कुछ भी उसको बच्चे को सिखाना है, डिलीवर करना है, सप्लाई करना है बच्चे के ब्रेन में, वो चीज वो सबसे पहले उसने डिलीवर करी. देन फिर वो उसके सपोर्ट में उस पर बच्चे की जो लर्न जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इसके फोल्ड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए सेकेंड फेज पर वो एग्जाम्पल शेयर कर रहा है, जिसको हम कहते हैं डिडक्शन यानी निगमन. तो लेक्चर विद इंडक्शंस भी है, लेक्चर विद डिडक्शंस भी है. तो इसका मतलब है कि अब कब हम लेक्चर्स को इंडक्टिव अप्रोच में लेकर के आते हैं, कब हम लेक्चर्स को इंडक्टिव अप्रोच में लेकर के आते हैं, ये नेचर ऑफ कंटेंट पर डिपेंड करता है, ये आईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स पर या उनका एजुकेशन लेवल ऑफ जो है उस पर डिपेंड करता है, जो
हमारी टाइम की अवेलेबिलिटी है, जो टीचर की अपनी जो उसकी अपना पोटेंशियल है, ये सारी चीजों पर काफी कुछ डिपेंड करता है कि हमें कब लेक्चर्स के लिए कौन सा टेक्निक्स यूज करना चाहिए। इसके लिए एक अपना एक पेडागॉजिकल एक सिचुएशंस होती है, उसको हमें पिक करना होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चीजें लेते हैं तो वो एक इफेक्टिव टीचिंग को पॉसिबल बनाएगा। तो अभी हमने केवल रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग मेथड एंड टीचिंग टेक्निक्स के बारे में जाना। टीचिंग मेथड इज अ वे और स्टाइल ऑफ टॉपिक प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम। इट मीन्स टीचिंग मेथड इज द आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग, क्योंकि टीचिंग पहले भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, जब आपने टीचिंग पढ़ा होगा तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि टीचिंग इज अ बोथ साइंस एंड आर्ट, शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। तो शिक्षण का वो जो कलात्मक पक्ष है वही है शिक्षण विधि, और उस किसी भी शिक्षण विधि को प्रभावशाली बनाने में जिस विज्ञान का योगदान होता है, जो वैज्ञानिक प्रक्रियाएं सहायक होती हैं, उनको हम कहते हैं टीचिंग टेक्निक्स। तो टीचिंग मेथड्स क्लियर हुआ, टीचिंग टेक्निक्स क्लियर हुआ। अब एक तीसरे कॉन्सेप्ट, मेजर कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, वो है हमारा टीचिंग स्ट्रेटजी, जिसको हम शिक्षण आव्यूह या इसको कई बार हम टीचिंग अप्रोच भी कहते हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, और अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू बहुत जो है एजुकेशनिस्ट, ये कहा जाता है कि टीचिंग स्ट्रेटजी इज अ मोर इम्पोर्टेंट देन टीचिंग मेथड्स। अब क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है टीचिंग स्ट्रेटजीज या टीचिंग अप्रोच टीचिंग मेथड से, ये अभी हम लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा। तो हम सबसे पहले टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, टीचिंग क्या है, हमने कहा कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का मेजर टूल है, और एजुकेशन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, टू मेक पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन स्टूडेंट्स और ह्यूमन बीइंग्स। मतलब विद्यार्थी के अंदर या इंसान के अंदर सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, और शिक्षा के उस उद्देश्य की पूर्ति कौन करता है, शिक्षण करता है। तो इसका तात्पर्य शिक्षण का भी उद्देश्य यही हुआ कि शिक्षण वो प्रक्रिया है, टीचिंग इज अ प्रोसेस विच मेक्स पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन रेफरेंस टू नॉलेज, इन रेफरेंस टू एटीट्यूड, इन रेफरेंस टू स्किल इन द स्टूडेंट्स। अब ये जो पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन स्टूडेंट्स की बात की जाती है, इसके तीन मेजर डोमेन होते हैं। एक होता है नॉलेज डोमेन, जिसको हम हेड कहते हैं, एक होता है एटीट्यूड, जिसको हम हार्ट कहते हैं, और एक होता है स्किल डोमेन, जिसको हम हैंड कहते हैं। अर्थात टीचिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स के हेड, हार्ट और हैंड, जिसको हम ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्रमशः कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड कॉग्निटिव या साइकोमोटर डोमेन के नाम से पढ़ते हैं, एक्चुअल में उन्हीं डोमेन्स का एक जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो हम टीचिंग से अश्योर करते हैं। क्योंकि टीचिंग इकलौती वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ही बार में इन तीनों डोमेन्स को डेवलप किया जाता है, क्योंकि टीचिंग के पैरेलल और भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो टीचिंग के स्थान पर हम जो है इंस्ट्रक्शंस वर्ड यूज करते हैं, हम ट्रेनिंग वर्ड यूज करते हैं, हम इंडॉक्ट्रिनेशन वर्ड यूज करते हैं। अगर थॉमस एफ ग्रीम का कॉन्सेप्ट लें तो उन्होंने अपनी जो बुक थी एक्टिविटीज ऑफ जो है वो टीचिंग में, उसमें उन्होंने एक कॉन्टिन्यूम बताया था जिसमें टीचिंग के चार आयाम बताए उन्होंने, टीचिंग एज अ कंडीशनिंग, टीचिंग एज अ ट्रेनिंग, टीचिंग एज अ इंडॉक्ट्रिनेशन, टीचिंग एज अ इंस्ट्रक्शंस। और ये जितने भी डोमेन है ये कहीं ना कहीं इन तीनों डोमेन्स में किसी स्पेसिफिक डोमेन पर काम करते हैं, बट टीचिंग इज अ कंप्लीट प्रोसेस विच इज द डेवलप हेड, हार्ट एंड हैंड, साथ साथ ये तीनों को विकसित करती है। बहुत सारी टीचिंग की, जैसे जैसे हम ट्रेनिंग की बात करें तो वो केवल जो है वो कॉग्निटिव डोमेन्स पर काम करती है। इंस्ट्रक्शंस जो टीचिंग के सबसे क्लोज्ड का कॉन्सेप्ट है वो भी केवल हेड डोमेन डेवलप करता है। इंडॉक्ट्रिनेशंस है वो केवल एटीट्यूड एस्पेक्ट पर या हार्ट एस्पेक्ट्स पर काम करता है। कंडीशनिंग है वो केवल आपका हैंड डोमेन्स पर काम करती है। तो इस तरीके से शिक्षण
क्या है, वो एक समग्र प्रक्रिया है, एक ऐसी समुच्चयकारी प्रक्रिया है, एक ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो स्टूडेंट्स के हेड, हार्ट और हैंड तीनों को सिमिलिटेनियस डेवलप करती है, यानी एक साथ डेवलप करती है। और ये एक साथ डेवलप क्यों करती है, क्योंकि इसमें हम टीचिंग स्ट्रेटजीज या टेक्निक सॉरी सीटिंग स्ट्रेटजीज या अप्रोचेज का इस्तेमाल करते हैं। ये तीन डोमेन पर जो है वो नॉलेज हमारा हेड से रिलेटेड है भावना जी, एंड जो है एटीट्यूड हमारा हार्ट से रिलेटेड है, एंड जो हमारा स्किल है वो हैंड से रिलेटेड है। अब देखिए, जब हम इस किसी भी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की बात करते हैं, और उसके हेड, हार्ट और हैंड और हमारे बॉडी के अंदर, यानी हेड, हार्ट और हैंड्स पर क्या आ जाती है, यानी हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों को प्रशिक्षित करना, हमारी जो सेंसरीज हैं, हमारी जो मोटर्स हैं, एक्चुअल उनको मॉडिफाई करना। और ह्यूमन एक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमन के इस सेंसरीज को और इसकी मोटर्स को मॉडिफाई करना इज अ नॉट अ इजी टास्क। और इसलिए इनको मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को, या हम एजुकेशनल प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो हम यूज करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को, शिक्षा मनोविज्ञान को। तो जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, इज द प्रिंसिपल, इज द अप्लाइड रूल्स, इज द अजम्पशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षण आव्यूह है क्या? शिक्षण आव्यूह शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान से निकली हुई अवधारणाएं हैं, निकले हुए एप्लीकेशंस हैं, जिनका हम टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में यूज करके अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं पॉजिटिवली। टीचिंग स्ट्रेटजीज का टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, टीचिंग स्ट्रेटजीज का कंटेंट से, करिकुलम से कोई रिलेशन नहीं है, उनको पाठ्यक्रम से मतलब नहीं है, उनको मतलब है शिक्षा के उद्देश्यों से, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से। और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, स्टूडेंट्स का पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना इन रेफरेंस टू हेड, हार्ट और हैंड। और इस काम में जो हेल्प करता है वो करता है टीचिंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या है, टीचिंग स्ट्रेटजीज इज द अजम्पशंस, अप्लाइड अजम्पशंस, प्रिंसिपल रूल्स ऑफ साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी विच इज यूज्ड इन अ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान से निकली हुई वे अवधारणाएं या नियम जिन्हें हम शिक्षण अधिगम परिस्थिति में प्रयोग करते हैं विद्यार्थी के अंदर सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए, उन सभी अवधारणाओं को, उन सभी विचारों को, उन सभी थॉट्स को, उन सभी प्रोसेस को, कॉन्सेप्ट्स को हम टीचिंग स्ट्रेटजीज या टीचिंग अप्रोच कह सकते हैं। स्ट्रेटजी से ही अप्रोच फ्रेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल साइकोलॉजी में जब हम बात करते हैं, या साइकोलॉजी में जब हम बात करते हैं, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के लिए जो बिहेवियरिस्ट स्कूल है उन्होंने कहा यूज ऑफ रिन्फोर्समेंट, रिन्फोर्समेंट का यूज होना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। रिन्फोर्समेंट क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है। एक्सरसाइज की बात होती है साइकोलॉजी में, डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है साइकोलॉजी में, जनरलाइजेशंस की बात होती है साइकोलॉजी में, टैक्सोनॉमी की बात होती है। तो ये सब क्या है, हमारे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल है ना, यूज ऑफ रिन्फोर्समेंट, यूज ऑफ एक्सरसाइज, प्रिंसिपल ऑफ रेडिनेस, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट, ये सब क्या है, ये सब हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी के एजम्पशंस है ना। तो जब भी हम टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में इन सारी चीजों को यूज करते हैं तो वही हमारा टीचिंग स्ट्रेटजी है। अब टीचिंग स्ट्रेटजी भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती है, जस्ट लाइक अ मैथड।
टीचिंग स्ट्रेटजीज भी अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए टीचिंग टैक्टिक्स को यूज करते हैं। जैसे टीचिंग मेथड्स टीचिंग टेक्निक्स की हेल्प ले रहा था, उसी तरीके से टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो टीचिंग टैक्टिक्स की हेल्प लेती हैं। यानी टीचिंग टैक्टिक्स क्या है वो भी एक तरीके के साइंटिफिक अजम्पशंस हैं विच मेक इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग स्ट्रेटजीज को इफेक्टिव बनाने वाले जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंटिफिक अजम्पशंस होते हैं, उनको हम टीचिंग टैक्टिक्स कहते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी इज द टीचिंग स्ट्रेटजी। अब हम टैक्टिक्स की बात करते हैं। जैसे हमने एक स्ट्रेटजी के बारे में बात किया गया कि भाई ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए रिइंफोर्समेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हम भी अपनी टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में स्टूडेंट्स का रिइंफोर्समेंट करते हैं। हायर लेवल पर जो रिइंफोर्समेंट है वो साइकोलॉजिकल है होता है, प्रशंसा करना और शाबाशी देना, आलोचना करना, दीज आर द पॉजिटिव एंड निगेटिव रिइंफोर्समेंट। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, इसको पुनर्वलन भी कह सकते हैं, प्रबलन भी कहते हैं हिंदी में। तो यूज ऑफ रिइंफोर्समेंट क्या हुआ, एक स्ट्रेटजी है। अब रिइंफोर्समेंट, यूज ऑफ रिइंफोर्समेंट स्ट्रेटजी क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको कि हमें लर्निंग हमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन में रिइंफोर्समेंट यूज करना चाहिए, ये किसने बताया, हमको एजुकेशनल साइकोलॉजी ने बताया, स्पेशली जो हमारी क्लास जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग है स्किनर की, वहां से आया। अब चलिए, स्ट्रेटजी ने तो कह दिया कि यूज ऑफ रिइंफोर्समेंट, इट मीन्स आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स को रिइंफोर्समेंट दीजिए। जैसे हम अभी आपको पढ़ा, आपके साथ एक इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो हम कहें कि भाई आपको रिइंफोर्समेंट मिलना चाहिए, और अभी किसी स्टूडेंट का कोई एक कमेंट आए और उस कमेंट को हम जो है अपने कम्युनिकेशन में यूज करें और उसका नाम लें यहाँ से, और फिर उसको कांग्रेस जो है वो एक धन्यवाद करें या उसको यहाँ से हम शाबाशी दें, तो उसका क्या होगा, उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगा। दिस इज द साइकोलॉजिकल रिइंफोर्समेंट। फिजिकल रिइंफोर्समेंट भी होता है, किसी को सील ट्रॉफी देना, सर्टिफिकेट्स देना वगैरह वगैरह। लेकिन अब रिइंफोर्समेंट तो की बात तो हो गई, लेकिन रिइंफोर्समेंट की सप्लाई कैसे की जाए, ये स्ट्रेटजी ने नहीं बताया। स्ट्रेटजी ने कहा कि यूज ऑफ रिइंफोर्समेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बट हाउ, कैसे उसको यूज करें, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो टैक्टिक्स करेगा। अब टैक्टिक्स ने कहा कि यूज ऑफ रिइंफोर्समेंट, यानी रिइंफोर्समेंट तो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन अब रिइंफोर्समेंट को यूज कैसे करें, तो उसने कहा कि यूज रिइंफो जो है रिइंफोर्समेंट शेड्यूल, आप पुनर्बलन अनुसूची यूज करें। अब जो हमारी रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है, आप सभी चूंकि एजुकेशन के स्टूडेंट है तो आपने पढ़ा होगा कि दो तरह की होती है, एक हमारी रेशियो शेड्यूल होती है और एक इंटरवल शेड्यूल होती है। रेशियो शेड्यूल में क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर रिस्पांस नंबर के बाद, और कई तरह की होती है, एक कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल होती है, फिर एक हमारी जो है वो इंटरमिटेंट शेड्यूल होती है। इंटरमिटेंट जो है वो दो तरह में बटी होती है, इंटरवल और रेशियो में, और फिर उसमें भी वो दो तरीके से होती है, एक फिक्स और एक वेरिएबल, फिक्स इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल, फिक्स रेशियो एंड वेरिएबल रेशियो। तो उसके डिटेल में नहीं जाते हैं यहां पर, केवल आपको एक टीचिंग स्ट्रेटजी से और जो टैक्टिक्स का रिलेशनशिप है वो समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निक्स स्ट्रेटजी ने कह दिया कि भाई आप रिइंफोर्समेंट का यूज करिए, लेकिन अब कैसे यूज करना है, तो यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। किसी ने कहा लगातार कॉन्टिन्यूअस रिइंफोर्समेंट दीजिए, किसी ने कहा एक रेगुलर इंटरवल पर, एक निश्चित समय अंतराल पर, यानी हर 5 मिनट हर 10 मिनट पर दीजिए, किसी ने कहा नहीं समय के आधार पर नहीं अनुक्रिया के आधार पर दीजिए, किसी ने कहा नहीं
सही अनुक्रिया पर दीजिए, किसी ने कहा नहीं सही अनुक्रिया के पहले दीजिए, किसी ने कहा अनुक्रिया के बाद दीजिए। ये हम रिइंफोर्समेंट शेड्यूल में पढ़ते हैं तमाम बातें। तो पुनर्वलन इस्तेमाल करना है आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करें? क्या टॉपिक पढ़ाने के दौरान, टॉपिक पढ़ाने से पहले से रिइंफोर्समेंट करें? विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा गया, प्रश्न का जवाब देने से पहले उसको रिइंफोर्समेंट दे दें, या उसने जो प्रश्न का जवाब दिया यदि वो जवाब सही है तब हम उसको रिइंफोर्समेंट दें, उसके हर सही सवाल पर उसको रिइंफोर्समेंट दें, या उसने जब 10 सही सवाल के जवाब दिए तब रिइंफोर्समेंट दें? ये सारी बातें, अगर ये सारी बातें क्लियर है तभी तो यूज ऑफ रिइंफोर्समेंट इफेक्टिव होगा। अब कौन सा शेड्यूल किस सिचुएशन में यूज होता है, इसके लिए हमको शेड्यूल्स पढ़ना पड़ता है। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर एजुकेटर्स को पढ़नी चाहिए या टीचर्स को पढ़नी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल कि एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट है, एक एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट है, एक गिफ्टेड स्टूडेंट है, एक एवरेज स्टूडेंट है, एक बैकवर्ड स्टूडेंट है, एक जो है हमारा बैकवर्ड चाइल्ड है, और एक बहुत एमआर लेवल का या बेलो एवरेज इंटेलिजेंस का स्टूडेंट है। हर किसी को सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे एक जो हमारा मंद बुद्धि विद्यार्थी है, जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स है, उसके लिए तो हमें कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल देना पड़ेगा। उसको अगर हम ये इंतजार करेंगे कि ये हमारे प्रश्न का सही जवाब दे तब हम इसकी प्रशंसा करेंगे, तो चूंकि उसके प्रश्न उसके उसके अंदर सीखने की जो गति है उसकी धीमी है, और सीखने की अभिप्रेरणा उसके अंदर बहुत कम है, मोटिवेशन लेवल उसका डाउन है, तो वो तो कहीं सही जवाब देने में उसको बहुत वक्त लगेगा, और तब तक अगर आप उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो वो कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पाएगा, और कैसे आपकी लर्निंग प्रोसेस के साथ अपने आप को कंटिन्यू रख पाएगा? तो दिस इज द टैक्टिक्स, आपको किस तरीके से रेनफोर्समेंट यूज करना है इसकी जो है अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, और वो अवेयरनेस यानी किस तरीके से रेनफोर्समेंट का यूज करना है ये कौन बताया? टैक्टिक्स ने बताया। इसी तरीके से अभी हम लोगों ने कहा कि हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हम लोग पढ़ते हैं थॉर्नडाइक का, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ने कहा कि भाई अभ्यास करवाइए, जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी आप तक मिल रहा है या जो आप कुछ सीख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, उसको उसका रिवीजन करिए। ठीक है, यूज ऑफ एक्सरसाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, एक्सरसाइज एक बहुत मेजर चीज है, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज होना चाहिए, एक्सरसाइज के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है, ये किसने बताया? एजुकेशनल साइकोलॉजी की थ्योरीज ने बताया, यानी वो यहां से एक नॉलेज आया। अब लेकिन एक्सरसाइज कैसे? एक्सरसाइज तो कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है, एक्सरसाइज रिकरिंग नेचर की भी हो सकती है, एक्सरसाइज विदाउट रिइंफोर्समेंट भी हो सकती है, एक्सरसाइज विद रिइंफोर्समेंट भी हो सकती है, एक्सरसाइज एक कॉन्स्टेंट प्लेस पर हो सकती है, एक्सरसाइज वेरिएबल प्लेस पर हो सकती है। तो हमें अभ्यास कैसे करना चाहिए? अभ्यास कक्षा के अंदर किया जाए, अभ्यास घर में आकर के किया जाए, अभ्यास प्रतिदिन किया जाए, अभ्यास 3-3 दिन का अंतराल रख करके किया जाए, अभ्यास के लिए पुनर्वलन दिया जाए या बिना पुनर्वलन के अभ्यास कराया जाए, अभ्यास क्या एक ही जगह पर बैठ करके प्रतिदिन किया जाए या अभ्यास अलग अलग तरीके से किया जाए, ये सारी बातें। अनुक्रिया मीन्स रिस्पॉन्स, वी मेक अ रिस्पॉन्स, तो वो जो रिस्पॉन्सेस हैं उन करेक्ट रिस्पॉन्सेस की एक्सरसाइज हो, रिस्पॉन्स के बिफोर रिइंफोर्समेंट सप्लाई हो, या आफ्टर द करेक्ट रिस्पॉन्स और रिइंफोर्समेंट की जो एक्सरसाइज है वो की जाए। ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, और अगर इसके बारे में आपको अब कौन सी चीज कब इस्तेमाल करनी चाहिए, ये हम लोग टैक्टिक्स करते हैं, इसके लिए हमें हम पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी ने इसके बारे में डिटेल में बताया। तो चलिए, अब यूज ऑफ एक्सरसाइज कहा गया, मेक एक्सरसाइज कहा गया, अब एक्सरसाइज कैसे करनी है, उसका प्लेस क्या होगा, बिफोर
विद रिन्फोर्समेंट होगा, विदाउट रिन्फोर्समेंट होगा, वगैरह वगैरह, वो आप प्रैक्टिस करिए। अब इसका भी डिसीजन कैसे होगा, कंटेंट के भी आप पर होगा, एजुकेशन जो लर्नर है उसकी अपनी, उसके लर्निंग जो लेवल है, उसकी जो नीड है, जो कंटेंट का नेचर है, उसके पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से अभी हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में बात की। डिस्क्रिमिनेशंस का मतलब विभेदन है। जब हम कुछ सीखते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलैरिटी या आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंसेस। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करें या उसमें सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करें। जनरलाइजेशंस का मतलब हॉरिजॉन्टल जनरलाइजेशन करें या वर्टिकल जनरलाइजेशंस करें। तो जनरलाइजेशंस भी होना चाहिए। जनरलाइजेशंस का मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लर्निंग सिचुएशंस में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बहुत काम करता है। तो वो जो जनरलाइजेशन है वो कैसे करें, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, कब हमें अपनी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को हॉरिजॉन्टल ही लेकर जाना चाहिए, कब हमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को वर्टिकल ही लेकर जाना चाहिए, ये हमको टैक्टिक्स बताती है। तो इन शॉर्ट आप इसको समझिए कि पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजीज है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उनके एप्लीकेशंस हैं। और जब वो साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के रूल्स, प्रिंसिपल, थ्योरीज को हम टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में यूज करते हैं तो वो हमारे टीचिंग स्ट्रेटजीज कहलाते हैं। और उनको किस तरीके से यूज करना है, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जो स्ट्रेटजीज हैं ये हमको बताती हैं टीचिंग टैक्टिक्स। ये एक तरीका। टीचिंग टैक्टिक्स क्या है, साइंटिफिक एस्पेक्ट। तो दिस ये चार कॉन्सेप्ट थे जिसमें से पेयरिंग क्या हुई, पेयरिंग हुई टीचिंग मेथड इज एसोसिएटेड विद टीचिंग टेक्निक्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज इज एसोसिएटेड विद द टीचिंग टैक्टिक्स। डिस्क्रिमिनेशंस को विभेदन कहते हैं। जब हम लोग लर्निंग करते हैं तो वहां पर अंतर स्थापित करना होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग सीखते किसके द्वारा है, जो किसी सिचुएशंस में जो एक सिमिलैरिटी होती है उसको आपस में हम इंटीग्रेट करते हैं, जो डिसिमिलैरिटीज होती हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम पहचान ले। तो उससे सीख क्लासिफिकेशन, जिसको डिस्क्रिमिनेशंस को आप क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन से क्या होता है, हमारी लर्निंग आसान होती है, कि कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा तो उस टॉपिक में क्या क्या सिमिलैरिटी, क्या क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो उस टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें क्या क्या चीजें एक दूसरे से जो है वो डिफर है। तो किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी सिचुएशंस के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं उनको आपस में कोरिलेट करना, जो डिफरेंसेस हैं उनको जो है उनसे आइसोलेट करने की जो प्रोसेस होती है, जो मेंटल प्रोसेस होती है, उसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होती है। जैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं हम अंतर करते हैं ना कि वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है। और ये जो हमारे अंदर एबिलिटी आती है डिस्क्रिमिनेशन, हमारी पावर, तो डिस्क्रिमिनेशन है। इसी तरीके से जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि जैसे हम लोगों ने हमने रूल पढ़े, लर्निंग लॉ पढ़े, और फिर उन लर्निंग लॉ की हेल्प से दूसरी थ्योरीज में हमने इस्तेमाल, कि भाई जैसे हम क्या हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में थॉर्नडाइक का कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, जब थॉर्नडाइक की हमने थ्योरी पढ़ी, उनके रूल पढ़े, और फिर जब हम लोगों ने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा, तो कहीं ना कहीं हम उस पर जनरलाइजेशन करेंगे कि कौन सी चीज वहां पर लागू होती है। तो जनरलाइजेशन भी एक, तो जब समान स्थिति में हम अपने ज्ञान को लेकर जाते हैं तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। जब हम किसी हायर लेवल पर अपनी नॉलेज को लेकर के जाते हैं प्रेजेंट सिचुएशन से तो वो वर्टिकल होता है। तो जनरलाइजेशंस भी हम लोग लर्निंग सिचुएशंस में करते हैं, और समटाइम्स मेक हॉरिजॉन्टल जनरलाइजेशन, समटाइम मेक्स वर्टिकल जनरलाइजेशन। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंटेंट एंड पोटेंशियल ऑफ टीचर, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, कई सारे एस्पेक्ट होते हैं कि कौन यूज करना, आप कौन सा करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक एक केस के बारे में यहाँ पर समझ होनी चाहिए कि हमें कौन सा रिइंफोर्समेंट किस टाइप के स्टूडेंट के लिए और किस तरह के कंटेंट पर यूज करना चाहिए, हमें किस टाइप का जो है वो एक्सरसाइज
विदाउट रिन्फोर्समेंट का एक्सरसाइज कब यूज करना चाहिए या करवाना चाहिए, और कब विद रिन्फोर्समेंट का एक्सरसाइज स्टूडेंट से करवाना चाहिए, इसका एक पर्टिकुलर एक बहुत ही माइक्रो जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग है, और इस पर कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम अपनी टॉपिक पर वही बात करेंगे जो रिलेटेड टू एग्जाम होगी, जिससे हम अपने क्वेश्चंस को कर पाए। तो उतना डीपली जा करके क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन यदि आप में से क्वेरीज आएंगी तो फिर वो रिटन फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में आप तक पहुंच जाएंगे। तो ये चार कॉन्सेप्ट हैं। अब इनके भी यानी इसमें से मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, मेजर कॉन्सेप्ट है टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजी। केवल इतने से अंतर नहीं है, टीचिंग मेथड और टीचिंग स्ट्रेटजीज के बीच और भी हम पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्लियरली डिफाइन करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेजर डिफरेंसेस देखें मेथड्स और टेक्निक्स के बीच में, तो मेथड्स क्या है, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द भाई, टीचिंग को साइंस और आर्ट दोनों कहा गया तो आपसे कह दिया जाए कि टीचिंग का आर्ट क्या है, तो टीचिंग का आर्ट टीचिंग मेथड है, और आपसे कहा जाए टीचिंग का साइंस क्या है तो आप कहेंगे टीचिंग स्ट्रेटजी। तो टीचिंग मेथड इज द आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजी इज द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग। दूसरा अंतर, टीचिंग मेथड इज एसोसिएटेड विद टीचिंग टॉपिक, कंटेंट आर रिलेशन, मेथड सहचरित है, जुड़ा हुआ है पाठ से, विषय वस्तु से, उस ज्ञान से जिसको कक्षा के अंदर पढ़ाया जाना है। बट स्ट्रेटजी इज एसोसिएटेड विद एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटजीज जो है वो जुड़ी हुई है उद्देश्यों के साथ, शैक्षिक उद्देश्यों से उनका जुड़ाव है, उनका जुड़ाव पाठ से या प्रकरण से या ज्ञान से नहीं है। थर्ड, टीचिंग मेथड्स इज यूज टू, अब तक हमने जो डिफरेंसेस देखे उसमें देखा कि भाई मेथड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट है, स्ट्रेटजी साइंटिफिक एस्पेक्ट है, मेथड्स एसोसिएटेड है लेशन से, टॉपिक से, कंटेंट से, स्ट्रेटजी एसोसिएटेड है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स से। मेथड्स की जो वर्किंग होती है और जो स्ट्रेटजीज की वर्किंग होती है इसमें डिफरेंस होता है। जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं वो किसी भी टीचिंग की जो तीनों फेज होते हैं, यानी जो प्री एक्टिव फेज से लेकर के पोस्ट एक्टिव फेज, यानी स्टूडेंट जो स्ट्रेटजी है वो क्लास में जाने से पहले ही वर्क शुरू हो जाए। जैसे हम क्लास में जाने से पहले एक टीचर क्या करता है, क्लास में जाने से पहले टीचर लेक्शन प्लान करता है, टीचिंग एड्स को फ्रेम करता है, क्लास में जाकर के उसको आज बच्चों के साथ क्या एग्जांपल्स उसको शेयर करने, उनके बारे में वो थिंक करता है, अपने कलीग्स के साथ जो है वो डिस्कशन करता है, घर में जाकर के वो प्रिपरेशंस करता है, रिवीजन करता है। दिस इज द स्ट्रेटजी, यानी क्लास में आने से पहले ही टीचिंग स्ट्रेटजीज ने वर्क शुरू कर दिया, और जब वो क्लास में आया और बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वो स्टूडेंट्स के साथ रैपर्ट एस्टैब्लिश कर रहा है, इन स्टूडेंट्स की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको एक्सप्लोर कर रहा है, और फिर उनके साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा है, नॉलेज शेयर करने के बाद उनके डाउट्स क्लियर कर रहा है, फिर डाउट्स क्लियर करने के बाद उनका एक सेल्फ असेसमेंट कर रहा, उनको होमवर्क दे रहा। ये सारी चीजें स्ट्रेटजी का पार्ट है। इसका मतलब है शिक्षण प्रारंभ होने से पहले, शिक्षण की समाप्ति अर्थात मूल्यांकन और गृह कार्य तक लग, ये सारी जो पूरी चयन है ये सारा पार्ट जो है स्ट्रेटजी से कवर होता है। इसका मतलब है स्ट्रेटजीज इज कवर ओवरऑल टीचिंग प्रोसेस फ्रॉम प्री एक्टिव फेज टू पोस्ट एक्टिव फेज, बट मेथड्स बहुत जो इनकी जो फंक्शनिंग है बहुत लिमिटेड फेज पर है, और केवल इंटरएक्टिव फेज में, जहां पर इंटरएक्टिव फेज पर जहां पर लेशन प्रेजेंटेशन या टॉपिक प्रेजेंटेशन होता है वहां तक ही इनकी भूमिका है बस। तो मेथड्स वर्किंग ओनली ड्यूरिंग द इंटरएक्टिव फेज, बट की स्ट्रेटजीज वर्किंग फ्रॉम प्री एक्टिव फेज टू पोस्ट एक्टिव फेज, इवन असेसमेंट्स के बाद तक, फीडबैक तक स्ट्रेटजीज
वर्क करती हैं। अब फंक्शन क्या है? टीचिंग मेथड्स लेशन को या टॉपिक को इजी बनाना, उसको एंटरटेनिंग करना, उसको इंटरेस्टिंग बनाना, उसको इफेक्टिव बनाना, उसका पर्पज है, उसका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन स्ट्रेटजीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेटजीज का ऑब्जेक्टिव है आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए, अपने पर्पज को पूरा करने के लिए टीचिंग टेक्निक्स की हेल्प लेती हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज अपने पर्पज को पूरा करने के लिए टीचिंग टैक्टिक्स की हेल्प लेती हैं। दूसरा, टीचिंग मेथड्स का इवैल्यूएशन इजी है। टीचिंग मेथड्स की सक्सेस को मेजर करना इजी है, उनका असेसमेंट करना इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि टीचिंग मेथड्स का संबंध जो है वो केवल टॉपिक से है ना, लेशन से है, और लेशन बच्चे ने कितना लर्न किया, एक्वायर किया, केवल अचीवमेंट टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। तो अर्थात बच्चे के ज्ञान के आकलन के द्वारा या बच्चे की उपलब्धि के आकलन के द्वारा हम शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता या उनकी सफलता का आकलन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि शिक्षण आव्यूहों का या टीचिंग स्ट्रेटजीज का संबंध एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से है, और हमने कितने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए केवल स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स को मेजर करने से नहीं पता चलने वाला। तो इसका मतलब है कि हमें वहां पर अचीवमेंट टेस्ट भी लेना पड़ेगा, हमें वहां पर ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा, वहां पर्सनालिटी टेस्ट भी लेना पड़ सकता है, वहां पर क्रिएटिविटी टेस्ट लेंगे, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट है ना। क्योंकि स्ट्रेटजी क्या करती है, ओवरऑल पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्टूडेंट्स में करने का प्रयास करती है। तो उसमें कितना ओवरऑल सुधार हुआ, इसका परीक्षण या इसका निर्धारण केवल एक परीक्षण या उपलब्ध परीक्षण से नहीं हो सकता। तो इसलिए उनकी सफलता का आकलन करना तुलनात्मक रूप से कठिन है। तो मैथड्स आसानी से असेस किए जा सकते हैं, या मैथड्स की या टीचिंग मैथड्स की जो प्रभावशीलता है उसका निर्धारण आसानी से हो सकता है केवल उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। लेकिन आव्यूहों की या स्ट्रेटजीज की जो सक्सेस है या उनकी जो इफेक्टिवनेस है उसका मेजरमेंट करना, उसका असेसमेंट करना तुलनात्मक रूप से कठिन है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे स्ट्रेटजी और मेथड्स के बीच में। लेकिन ये सारी चर्चा के बाद एक आखिरी में मेन बात ये आती है कि ये जितने भी हम मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में विशेष रूप से बात करते हैं, स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं, ये मीनिंग तो इनका अलग है, क्योंकि पहले ही हमने कहा था कि हमें इनका बाद में ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है, और कैसे डिफरेंट है ये अभी हम लोगों ने समझा जाना। लेकिन अंतिम में हमने ये भी कहा था कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से सहसंबंधित भी। तो ये बात भी सही है कि मेथड्स स्ट्रेटजीज के रूप में भी चले जाते हैं, स्ट्रेटजीज मेथड्स बन जाती हैं, जो हमारे टेक्निक्स हैं वो कभी मेथड्स बन जाते हैं, ओवरलैपिंग होती है इसमें। तो वो केवल परिस्थिति के हिसाब से, जैसे अगर हम कहें कि क्वेश्चनायर क्या है, क्वेश्चनायर एक मेथड भी है सुकरात का, प्रश्नोत्तर विधि। डिस्कशन या वाद विवाद एक मेथड्स भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसको एक स्ट्रेटजी के रूप में, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसको एक टैक्टिक्स के रूप में, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसको एक टेक्निक्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो कोई मेथड तकनीक स्ट्रेटजी कब बन जाती है, स्ट्रेटजी मेथड्स कब बन जाता है, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो ये सार्वभौमिक अर्थ नहीं है कि कोई मेथड है तो हमेशा मेथड रहेगा और कोई टेक्निक्स है तो हमेशा टेक्निक्स रहेगी। सम टाइम टेक्निक्स वर्क एज अ मेथड एंड सम टाइम मेथड्स वर्क एज अ टेक्निक्स, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन ओवरऑल रूप से
जो ये टॉपिक है इसमें सबसे जो मेजर कीवर्ड्स या यूं कहे सबसे जो पॉपुलराइज्ड कीवर्ड है वो है मेथड्स, और इसी के आधार पर मेथड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। और बेसिकली जो मेथड्स हैं वो चार पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड्स, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स, इंटरेक्शन सेंटर्ड मेथड्स एंड ग्रुप सेंटर्ड मेथड्स, यानी चार इसके प्रमुख विभाजन हैं। तो शिक्षक केंद्रित कुछ विधियां हैं या व्यू हैं, कुछ विद्यार्थी केंद्रित विधियां हैं, कुछ अंतःक्रिया केंद्रित है और कुछ समूह केंद्रित। ये चार परिवार हैं मेथड्स के, और चारों में अलग अलग मेथड्स आते हैं। कई बार जो है ये मेथड्स ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स है, निम्नलिखित में से कौन सा टीचर सेंटर्ड मेथड्स है। और जितनी अब तक चर्चा की इस पर जो एनालिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो आप कर पाएंगे कि निम्नलिखित में से टीचिंग मेथड्स के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है, टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में कौन सा कनेक्ट, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं इनमें और सब एक दूसरे से बहुत क्लियरली अलग भी हैं। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, इंटरेक्शन सेंटर्ड और ग्रुप सेंटर्ड मेथड्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम टीचर सेंटर्ड मेथड्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें लेक्चर मेथड आता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, टीम टीचिंग है, ट्यूटोरियल टीचिंग है और फ्लिप्ड क्लासरूम है। ये पांच चीजों को हमने टीचर सेंटर्ड के अंतर्गत रखा है। टीचर सेंटर्ड मेथड्स में पांच चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहला मेथड है लेक्चर मेथड, दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड्स, तीसरा है ट्यूटोरियल टीचिंग, पांचवा है चौथा है टीम टीचिंग और पांचवा है फ्लिप्ड क्लासरूम। तो इन पांच जो कॉन्सेप्ट हैं ये हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा है हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स में जो पॉपुलराइज चीजें हैं उनमें से पहली चीज है वो है असाइनमेंट, दूसरा हमने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस यानी अभिक्रमित अनुदेशन, फिर यहाँ पर कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन CAI, PSI, इन सारी चीजों को हमने स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स में रखा। यानी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स यानी कहीं ना कहीं SDL यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में। फिर तीसरा जो मेथड्स है वो है हमारा इंटरेक्शन मेथड, जिसमें से क्वेश्चनायर मेथड्स के बारे में बात करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ह्यूरिस्टिक मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो ये तीन चीजें जो हैं वो इंटरेक्शन सेंटर्ड के अंतर्गत हैं। और फिर लास्ट में आता है हमारा ग्रुप सेंटर्ड मेथड, जिसके अंतर्गत हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हम यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड्स के बारे में बात करते हैं, डिस्कशन मेथड्स के बारे में बात करते हैं। जब डिस्कशन मेथड्स की बात होती है यहाँ पर तो कई तरीके का डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन है, पैनल डिस्कशन है, बज डिस्कशन है, फिश बॉल डिस्कशन है, तो चार पांच तरीके का डिस्कशन हो। और एजुकेशन में ये काफी पॉपुलर हो रहे हैं, चाहे हम बज डिस्कशन के बारे में बात करें या फिश बॉल डिस्कशन के बारे में बात करें या पैनल डिस्कशन के बारे में बात करें, ग्रुप डिस्कशन तो हम सब जानते हैं। तो इसमें से ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत है, जैसे स्टूडेंट सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड में कॉन्सेप्ट है फ्लिप्ड क्लासरूम का, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इनोवेशंस हैं। लेक्चर बहुत पुराना लेकिन आज फ्लिप्ड जो है क्लासरूम की चर्चा होने लगी और बहुत पॉपुलराइज्ड हो रहा है और यूनिवर्सिटी लेवल तक इसको यूज किया जाने लगा। फिर इसी तरीके से ग्रुप मेथड्स में हमने कहा प्रोजेक्ट किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट प्रणाली बहुत फेमस है, लेकिन आज हम यहाँ पर बज डिस्कशंस के बारे में बात करें, हम यहाँ पर डेल्फी टेक्निक्स के बारे में बात करें, हम यहाँ पर फिश बॉल डिस्कशंस के बारे में बात करें, पैनल डिस्कशंस के बारे में बात करें, यस PSI यानी पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको कैलर प्लान कहा जाता है, ठीक है, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली या कैलर प्लान, ये स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स है। तो ब्लूम की मास्टरी लर्निंग भी वहां पर आप रख सकते हैं, तमाम चीजें हैं जो स्टूडेंट सेंटर्स में आती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सेंटर्स में संस्कृति जी जो है वो आपका असाइनमेंट हो गया,
प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हो गया, उस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की तीनों ब्रांचें ले सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांच प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, और फिर यहाँ पर हम CAI के बारे में बात कर सकते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग का जो एक प्लेटफॉर्म है, ब्लूम का यहाँ पर मास्टरी लर्निंग कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलर प्लान इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब हमारे स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स हैं। तो हम ग्रुप सेंटर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ग्रुप सेंटर्स में पहला प्रोजेक्ट मेथड आया, फिर डिस्कशन, डिस्कशंस के अंतर्गत वेरियस डिस्कशंस है जिसमें से जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, जो इनोवेशन है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिस पर हमने बस डिस्कशंस, फिश बॉल डिस्कशंस और पैनल डिस्कशन आदि के बारे में बात की, आगे इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा मेथड यहाँ पर सिमुलेशन टीचिंग या जिसको हम रोल प्ले कह सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाती है। एजुकेशनल ट्रिप या जिसे फील्ड ट्रिप कहा जाता है, अब वो भी हमारा एक ग्रुप सेंटर्ड मेथड है यहाँ पर। तो ये जो चीजें हैं मेजर, उनको हम ग्रुप सेंटर्ड मेथड्स में रखते हैं, यानी और यहाँ पर ये मेथड्स का जो विभाजन है इसमें से लर्निंग भी अलग अलग, जैसे अगर हम स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स जो होते हैं वहां पर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, जो हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं वहां पर डायरेक्ट लर्निंग होती है, जो इंटरेक्शन मेथड्स होते हैं उनपे कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, जो ग्रुप मेथड होते हैं वहां पर हमारी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हायर एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो हायर एजुकेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हैं आपकी ग्रुप मेथड्स, जिसमें से प्रोजेक्ट मेथड्स, डिस्कशन मेथड्स, रोल प्ले या सिमुलेशन टीचिंग के बारे में तो बात होती है, लेकिन इसमें हम सेमिनार के बारे में बात करते हैं, सिंपोजियम के बारे में बात करते हैं, वर्कशॉप के बारे में बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, बस डिस्कशन, फिश बॉल डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, ये मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे ग्रुप मेथड्स में। लेकिन ग्रुप मेथड्स की जो लर्निंग है वो हमारी, हमने कहा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, जो इंटरेक्शन मेथड्स होते हैं उनकी जो लर्निंग होती है वो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, जो हमारे स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स होते हैं उनकी जो लर्निंग है वो हमारी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, और जो टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं उनकी जो लर्निंग होती है वो हमारी डायरेक्ट लर्निंग होती है, जिसको हम एक तरीके से ट्रेडिशनल लर्निंग कह सकते हैं। तो ये एक फैमिली है, और इसमें अब है कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, लेक्चर्स क्या है, इसके पर्पज क्या होते हैं। यस, फ्लिप्ड क्लासरूम इज अ मॉडर्न क्लासरूम, बिल्कुल है, और फ्लिप्ड क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है वो 2007 से जो है वो प्रैक्टिस में आया है, और जॉनसन ने इसको डेवलप किया था, जोहानसन ने, हाई स्कूल लेवल पर इसके जो फाउंडर हैं। लेकिन इसके पहले आप सभी ने, आप अगर इंडिया के बारे में बात करें तो 2004 से ये कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज्ड हुआ, और ये ब्लेंडेड लर्निंग है एक तरीके का, फ्लिप क्लासरूम, जिस पर आपने खान एकेडमी का नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलराइज्ड है, और जो सलमान खान ने जिसको एस्टैब्लिश किया था। अगर तो इंडिया के अंदर अगर फ्लिप्ड क्लासरूम की पॉपुलैरिटी की बात की जाएगी तो उसमें सलमान खान का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सलमान खान ने ही जो खान एकेडमी है उसको एस्टैब्लिश किया था, और सलमान खान ने अपनी कजिन को कुछ रिकॉर्डेड वीडियो पहले उपलब्ध कराते थे, जो है उसको समझने में दिक्कत होती थी, सलमान खान उसको अपनी कजिन को रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध कराते थे, और वो रिकॉर्डेड वीडियो देखने के बाद उनकी जो कजिन जब पढ़ती थी तो उसको बहुत सारी हेल्प मिलती थी, और वहां से सलमान खान को ये जो है वो एक आइडिया आया, और फिर उन्होंने खान एकेडमी ओपन की, और आज खान एकेडमी जो है वो फ्लिप्ड क्लासरूम का इंडिया के अंदर एक पर्याय है। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब फ्लिप्ड क्लासरूम्स पर आएंगे। तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि फ्लिप्ड क्लासरूम्स जो है वो हमारे एक टीचर सेंटर्ड मेथड्स है, लेकिन कैसा, ट्रेडिशनल का नहीं, ब्लेंडेड लर्निंग का मेथड्स है। तो इसमें बहुत सारी बहुत बारीकियां हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। केवल कैप्सूल लर्निंग टाइप की लर्निंग अगर करनी है तो वो अलग मैटर है, और वो बहुत बेटर, उसको हम नहीं मानते पर्सनली, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल इस टेंडेंसी में है कि हमें तो कैप्सूल लर्निंग चाहिए, अर्थात हमको माइक्रो वीडियो चाहिए। जैसे कभी कभी जब हम क्लास लेते हैं और वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं तो बहुत स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आपके वीडियोस बहुत लंबे होते हैं, तो उनको क्या चाहिए, माइक्रो वीडियोस चाहिए। और एक स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सही है, 5 से 10 मिनट का वीडियो हो और वो फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन हो,
और उससे उनका एग्जाम क्लियर हो जाए। बट जिस तरीके की परीक्षाएं हो रही हैं तो उससे ये कैप्सूल लर्निंग से एग्जाम ये आपका जो भला है वो नहीं होने वाला। तो इसलिए थोड़ा सा डीप में जा करके पढ़ें ताकि एक सिंगल टाइम्स लर्निंग करनी पड़े और फिर उस कॉन्सेप्ट पर आपकी जो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अचीव हो सके। तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं गाइस, और नेक्स्ट सेशंस पर जो है यहाँ पर से जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में बात कर लेंगे, चाहे वो फिश बॉल डिस्कशंस के बारे में हो या फ्लिप्ड क्लासरूम्स के बारे में हो या सेमिनार्स के बारे में, सिंपोजियम के बारे में, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। मास्टरी लर्निंग जो ब्लूम का है, ब्लूम और ब्लैक ने मास्टरी लर्निंग या स्वामित्व अधिगम का कॉन्सेप्ट दिया था, और ये जो हमारी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है उस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का ही जो है वो संवर्धित रूप है। प्रगति राज जी ने कहा मास्टरी लर्निंग, तो मास्टरी लर्निंग हमने कहा ना कि ये ब्लूम का कॉन्सेप्ट है, और इसमें क्या है एक सेल्फ लर्निंग है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है, स्टूडेंट अपनी सीखने की गति के हिसाब से सीखता है, लेकिन जस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल क्लास। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस देखिए, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम, जो हमारा अभिक्रमित अनुदेशन है, फिर वहां पर जो हमारा PSI मॉडल है, CAI है, और देन ये मास्टरी लर्निंग है, ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो इन पर जब चर्चा करेंगे, इस पर डिस्कशन होगा, जैसे PSI के बारे में बहुत चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। जो टीम टीचिंग है वो कितने टाइप्स की होती है, ट्यूटोरियल टीचिंग क्या है, तो इन सब ये सब हमारे मेथड्स हैं टीचर सेंटर्ड, उनके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन गाइस आज इतना ही, आई होप कि आपको जो चीजें जो भी बातें हम लोगों ने आज करी हैं आपको समझ में आई होंगी, और आपकी थोड़ी बहुत जो दुविधाएं थी, थोड़ी बहुत जो आपकी शंकाएं थी इस टॉपिक पर वो दूर करने में हमें हेल्प मिली होगी या आपको हेल्प मिलेगी इस क्लास के बाद। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन आज की समय सीमा को ध्यान में रखकर इतना ही। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और फिर हम बहुत जल्दी अगले सेशन में मिलेंगे अपने इसी टॉपिक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।